नमस्कार, शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गर्मी का मौसम सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है उसके बारे में शायद आपको ज्ञान नहीं है। अक्सर लोग सड़कों पर फ्रूट्स खा लेते हैं। मैं कहानी सुनाता हूं आपको, विश्वास मानिएगा, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे और सच्ची घटना है ये। एक कपल था, बहुत खूबसूरत सा, कि नई नई शादी हुई थी। ऑफिस के लिए निकल रहा था तो दोपहर का टाइम हुआ, उसे लगा कि कुछ गर्मी है, कुछ फ्रूट्स खा लूं। तो वो एक रेहड़ी वाले के यहां पर जाकर उसने अपनी बाइक रोकी और उसे कहा कि भाई एक प्लेट फ्रूट्स दे देना। उसने पपीता और वो सब काट के हाथ डाल के उसने प्लेट के अंदर दे दिया और मसाला वसाला डाल के दे दिया। उसने भी खा लिया और खा के वो अपने ऑफिस चला गया। बात आई गई हो गई। कुछ दिन बीते, जीवन चलता रहा। एक दिन वो बीमार हो गया, उसको बुखार आ गया। बुखार आ गया तो बुखार उतर ही नहीं रहा था, बहुत परेशान। डॉक्टरों ने मलेरिया वलेरिया डेंगू वेंगू सब चेक कराए, लेकिन कहीं तो डॉक्टरों ने कहा कि एक काम कीजिएगा, आप एक बारी HIV चेक करा लीजिएगा। वो सुनके घबरा गई, सर मैं तो ऐसा कहीं कुछ कभी ऐसा गया नहीं हो, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मैं अपने उसके साथ जीवन बिता रहा हूं, तो आपने ऐसा। उन्होंने कहा हमें लग रहा है कुछ, तो प्लीज आप एक बारी। तो उस आदमी ने जाके अपनी पत्नी को बताया और दोनों पति पत्नी डरते हुए चेकिंग के लिए गए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट ब्लड टेस्ट कराया। और ब्लड टेस्ट करने के बाद जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसके अंदर HIV पॉजिटिव निकला। विश्वास मानिए, काटो तो खून नहीं उस लड़के के, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझको एड्स कैसे हो गया। बड़ी अजीब सी कहानी, बहुत सोचता रहा। उसकी वाइफ पहले तो रोने लगी, फिर उसके बाद लड़ने लगी, तुमने मुझसे झूठ बोला, लगता है तुम बाहर कहीं जाते थे, वरना तुमको ये एड्स कैसे होती। वो कस्में दिलाने लगा, वादे करने लगा कि विश्वास मानो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे ऐसा। और समझदार थी लड़की, डॉक्टर भी समझदार था। लेकिन याद करो कि आपने कहीं गलती से, ऐसा तो नहीं कि कुछ कहीं कोई कुछ चीजें ऐसी खाई हो जहां पर गंदगी हो, जंक फूड। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया, उसने कहा हाँ याद आता है, 15 दिन पहले मैं जब ऑफिस जा रहा था तो दोपहर में मुझे भूख लगी तो मैंने एक चाट वाले के यहाँ पर चाट जरूर खाई थी। कहते ओके डन, ठीक है। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर साहब ने 100 नंबर पे फोन किया। फोन करके पुलिस को बुलाया गया और पुलिस को कहा गया कि प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि उस चाट वाले की यहां पर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस आदमी को एड्स हुई है। पुलिस भी साथ चल दी, डॉक्टर भी साथ चल दिया, लोग भी चल दिए, और जिस रेहड़ी पे लोग खा रहे थे वहां गए। उसे जाकर पुलिस को डॉक्टर ने पूछा कि भाई तुम चाट जो बनाते हो ये ऐसे ही हाथों से बनाते हो, इसके ऊपर ग्लव्स वगैरह नहीं पहनते? नहीं साहब, हम तो सालों से बनाते हैं ऐसे ही, और ऐसे ही काट काट के खिला रहे हैं लोगों को, लोग खाए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आज तक। तो उसकी उंगली के ऊपर नजर पड़ी तो उसने ये क्या, ये उंगली कैसे कटी? अरे साहब वो कट जाती है ना, धार तेज होती है तो कट जाती है कई बारी, उसके ऊपर पट्टी बांध ली, हल्की सी हो गया ठीक काम ना। आपको पता है, बहुत तेज गुस्सा आया डॉक्टर को। उसने कहा आपको मालूम है कि आपकी एक लापरवाही की वजह से कितने लोगों को भयंकर बीमारी हुई है, और जिसका सबसे मेन जो आदमी बीमारी का पक्का कंफर्म है वो ये सामने खड़ा है तुम्हारे, इसको एड्स हुई है तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, आपने लोगों को वो फ्रूट्स खिलाए हैं जिस पर आपकी बॉडी का खून लगा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर अपना ब्लड चेक कराएंगे तो आपको HIV पॉजिटिव निकलेगा ही निकलेगा। तो इसका मतलब आपने कितने लोगों को अब तक HIV पॉजिटिव दे दिया, समाज का कितना बड़ा नुकसान किया है आपने, क्यों ऐसा? लेकिन सर लेकिन मैंने ऐसा नहीं,
इंस्पेक्टर साहब मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि सरकारी खर्चे पर इस आदमी का चेकअप कराया जाए और जो रिपोर्ट्स है उसके बाद बात की जाए। पुलिस लेकर गई लेबोरेटरी के अंदर, उसको चेक कराया गया। चेक कराने के बाद ताबड़तोड़ रिपोर्ट ली गई तो उसके अंदर उसको पॉजिटिव निकला, HIV पॉजिटिव। सोचिए आप, एक आदमी अपनी बीमारी को छुपाता है और पूरे समाज को छोटी सी गलती के चक्कर में खराब कर देता है, बीमार कर देता है, बर्बाद कर देता है। वो कपल और न जाने कितने लोग जिन्होंने उसके यहाँ पर वो फ्रूट्स खाते हैं, लोग कम से कम 100-150 लोग रोज फ्रूट्स खा के जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे कैसे चेन टू चेन लोग उस बीमारी का शिकार होते चले गए होंगे, जिनको पता ही नहीं है, जाने अनजाने में जिन्होंने कोई अन्याय नहीं किया, जो कोई कर्म ऐसा नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी उनको ये भयंकर रोग मिल गया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इसे कहानी नहीं, कोई चुटकुला नहीं, मैं आपको बोर नहीं कर रहा, एक सच्ची घटना को एक सबक की तरह आपको बता रहा हूं कि आप अगर कहीं भी फ्रूट्स खाते हैं, भजिया खाते हैं, नींबू पानी पीते हैं, तो आप कोशिश करें कि वहां पर जो आदमी बना रहा है उसके हाथ साफ हो, उसने ग्लव्स पहन रखे हो, उसके हाथों में कोई जख्म ना हो, उसके नाखून बड़े ना हो। ये बहुत सी चीजें काउंट करती हैं, अदरवाइज छोटी सी लापरवाही से आपके जीवन के अंदर खिलवाड़ आ सकता है, आपकी पत्नी आपसे दूर जा सकती है, आपका परिवार आपसे दूर जा सकता है और आप एक ऐसी भयंकर बीमारी के शिकार हो सकते हैं जिसका फिलहाल कोई इलाज नहीं है। जो बीमारी लग जाती है उसके बाद आदमी टूट टूट के मरता है। तो ये रिक्वेस्ट है, सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर सुन रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी खाएं, और खासकर बाहर ये फ्रूट्स रेडियो के ऊपर जो जंक फूड बनाते हैं ना, ये गंदे हाथों से खिलाते हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूं आपको, प्लीज जिस आदमी ने ग्लव्स नहीं पहन रखे हो, पानी पूरी देखिए ना, हाथ खिलाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे हाथ है, पानी कैसा है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। बस यही कहूंगा मैं आपसे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा और आपकी टिप्पणियों का तो हमें इंतजार रहता ही है। मैं इस तरह के सब्जेक्ट्स के ऊपर इसलिए बोलता रहता हूं कि विश्वास मानिए, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों को पता नहीं लगता है और हमारा फर्ज बनता है कि मानव समाज की सेवा करना, मानव कल्याण के लिए अगर कुछ अच्छी बातें हम बता सकते हैं जिससे किसी का भला हो, उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है, मैं समझता हूं। और बस मुझे खुशी होगी कि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे और स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।